वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे दो किरेल केंद्र वाले योगिक। लास्ट भाग में अपनों ने पढ़ा था एक किरेल केंद्र वाले योगिक क्या होते हैं तथा उसके उदाहरण। आज अपने पढ़ेंगे दो किरेल केंद्र वाले योगिक। मैंने तुम्हें पिछले वाले भाग में बताया था किरेल केंद्र होता क्या है। यदि किसी कार्बन परमाणु के चारों समूह क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसको अपने क्या कहते हैं, किरेल केंद्र कहते हैं। अगर ये कार्बन परमाणु ऐसे इस प्रकार के दो हो किसी यौगिक में, कहने का मतलब दो किरेल कार्बन उपस्थित हो, तो उसको अपने कहते हैं दो किरेल केंद्र युक्त यौगिक। आगे बात समझ में। तो देखो, अपने कोई उदाहरण लेते हैं दो किरेल केंद्र युक्त यौगिक का। अगर दो किरेल केंद्र वाले यौगिक बनाए जाए ना, तो उस यौगिक में दो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। अगर अपने पहली स्थिति को देखें, तो देखिए दोनों किरेल केंद्रों पर असमान समूह हो। कहने का मतलब है दोनों किरेल केंद्र है जो कार्बन के, उसके ऊपर दोनों असमान समूह उपस्थित है। उदाहरण लेंगे अपने। और दूसरी स्थिति क्या बनती है, दोनों किरेल केंद्रों पर समान समूह हो। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं पहले वाले पार्ट की। अकॉर्डिंग टू आरबीएससी सिलेबस, दोनों किरेल केंद्रों पर असमान समूह हो या परमाणु हो, तो देखिए उदाहरण लेंगे अपने। 2-3 डाइक्लोरो, 2-3 डाइक्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल, ये कैसा यौगिक है जिसमें दो किरेल केंद्र युक्त यौगिक पाए जाते हैं। इसको अपने लिखते हैं, देखो CH3 CCl, इधर की तरफ आ जाएगा H, इधर की तरफ आ जाएगा Cl, फिर इधर की तरफ आ जाएगा H, फिर इधर की तरफ आ जाएगा COOH। आगे बात समझ में। ये हो गया 1 नंबर कार्बन, ये हो गया 2, ये हो गया 3 नंबर कार्बन और ये हो गया 4 नंबर कार्बन। आगे बात समझ में। अब इसमें देखो, अपने को पहचान करना है दो किरेल केंद्र का। सबसे पहले इस कार्बन की तरफ देखिए आप ध्यान से। इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन समान है, इसलिए अपने इसमें कह सकते हैं ये किरेल केंद्र नहीं है ये कार्बन। अब नेक्स्ट कार्बन की तरफ देखिए, इसमें देखो एक तरफ ये हाइड्रोजन समूह है, एक तरफ ये क्लोरीन है, एक तरफ ये CH3 है और एक तरफ ये एल्किल ग्रुप है। आगे क्या बात समझ में। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं ये कार्बन कौन सा होता है, किरेल कार्बन, जिसको अपने स्टार से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा कार्बन देखो इधर की तरफ, इसमें ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इधर की तरफ COH ग्रुप है, तो ये कार्बन भी कौन सा कार्बन हो जाएगा, किरेल कार्बन। अब इसको अपने फिशर प्रक्षेपण सूत्र के आधार पर लिखते हैं, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसलिए अब लिखना बता देता हूँ, वो टॉपिक डिटेल से अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अपने क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, COH को ऊपर लिखते हैं अपने मुख्य चयन श्रृंखला को COH, इधर की तरफ आ जाएगा C, इधर की तरफ आ जाएगा Cl, इधर की तरफ लिख दिया H, नेक्स्ट अपने आ जाएगा C, इधर की तरफ आ जाएगा Cl और इधर की तरफ क्या आ जाएगा H, फिर अपने क्या आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा CH3। सबसे पहले इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, प्रकाशिक समावयव भी बनेंगे। अब बात ये आती है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे, किसी भी अणु में कितने प्रकाशिक समावयवी बनेंगे, तो उसका एक सूत्र बनाया गया है उस सूत्र के आधार पर। और वो सूत्र किसके आधार पे बनता है, किरेल केंद्र के आधार पर। उसके आधार पे आप बता सकते हो किसी भी अणु में कितने प्रकाशिक समावयवी बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, फिर अपने को पता लगेगा इसमें कितने प्रकाशिक समावयवी बन सकते हैं। तो देखो प्रकाशिक समावयवियों की संख्या बराबर 2n। इस सूत्र को वांट हाफ सूत्र बोलते हैं, वैसे नाम बता दिया है, अपनी बुक में लिखा हुआ नहीं है ये नाम,
ये सूत्र है क्या ज्ञात करने का, प्रकाशिक समावयवी की संख्या ज्ञात करने का। आप कहोगे सर यहाँ एन क्या है, एन यहाँ पे है किरेल केंद्र की संख्या। अब देखो अपने कितने किरेल केंद्र पढ़ रहे हैं, प्रकाशिक समावयवी की संख्या पढ़नी है दो, तो यहाँ पे एन बराबर क्या है दो, तो कितने प्रकाशिक समावयवी बन सकते हैं, सूत्र में रिप्रेजेंट करेंगे टू की पावर आ जाएगी टू। आगे कितने प्रकाशिक समावयवी बन सकते हैं चार, तो यहाँ पे इस आधार पे कह सकते हैं यदि किसी अणु में दो किरेल केंद्र उपस्थित हो तो उसमें प्रकाशिक समावयवियों की संख्या कितनी होती है चार। तो यहाँ पे ये पता लगता है चार प्रकाशिक समावयवी बनते हैं अगर दो किरेल केंद्र हो। अब बनेंगे कैसे वो देखिए, सबसे पहले अपने यौगिक लेंगे हैं, आगे क्या बात समझ में, उसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। एक बार बताऊं मैं चार कैसे बनेंगे, एक बार समान समूह एक तरफ रखने हैं फिर उसका दर्पण प्रतिबिंब, और दूसरी बार समान समूह को विपरीत कर देंगे उसका दर्पण प्रतिबिंब, कितने प्रकाशिक समावयवी हो गए चार। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसका दर्पण प्रतिबिंब लेते हैं अपने, क्या होगा इसका दर्पण प्रतिबिंब C इधर की तरफ आ जाएगा COOH, फिर इधर की तरफ क्या आ जाएगा क्लोरीन, और इधर की तरफ आ जाएगा हाइड्रोजन, फिर अपने बंधित करेंगे इसको आगे क्या आ जाएगा कार्बन, और इधर की तरफ अपने को दर्पण में कैसे दिखेगा क्लोरीन, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। आगे बात समझ में, थोड़ा नीचे बना लेते हैं बराबर लगेगा। आगे बात समझ में, इधर की तरफ आ जाएगा C और इधर की तरफ कर देंगे क्लोरीन, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। अब अपने नेक्स्ट क्या दिखेगा दर्पण में, CH3 वैसे के वैसे ही दिखेगा, क्यों न इधर की तरफ है न उधर की तरफ। आगे बात समझ में, तो ये किसका दर्पण प्रतिबिंब हो गया इस संरचना का। अब मैंने तुम्हें तरीका बताया था, दो तो हो गए प्रकाशिक समावयवी, अभी अपनों ने पढ़ा था कितने बन सकते हैं चार प्रकाशिक समावयवी बन सकते हैं। तो मैंने तुम्हें तरीका बताया था, एक बार समान समूह एक तरफ, दूसरी बार विपरीत कर दो एक को। आगे बात समझ में देखो कैसे, इधर की तरफ आ जाएगा COOH, वैसे के वैसे लिख देंगे ये अपने, वैसे के वैसे लिख देंगे क्लोरीन, और इधर की तरफ क्या लिख देंगे हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट देखो, मैंने तुम्हें बताया था एक को चेंज कर देंगे, फिर उसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, इधर की तरफ अब की बार कर देंगे हाइड्रोजन, और इधर की तरफ हो जाएगा क्लोरीन। अब नेक्स्ट देखो अपने आ जाएंगे CH3 की तरफ, इधर की तरफ आ जाएगा CH3। अब अपने इसका प्रदर्शन करेंगे, किसका प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब का। अगर इसके दर्पण प्रतिबिंब का प्रदर्शन करें तो बताओ किस टाइप की संरचना बनेगी। अपने को एक बात पता है, यहाँ पे जो COOH है वो वैसे के वैसे रहेगा, यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका दर्पण प्रतिबिंब वही आएगा इधर की तरफ, और इधर की तरफ जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पे इसका दर्पण प्रतिबिंब में दिखेगा हाइड्रोजन, और इधर की तरफ जाएगा क्लोरीन, और इधर की तरफ अपने को क्या दिखेगा CH3। बॉन्ड थोड़े बड़े कर देता हूँ ताकि क्लियर दिख जाए आपको। आगे बात समझ में, तो ये होगी अपने कितने प्रकार की संरचना बन गई चार। सीधा सा आप याद करने की जरूरत नहीं है, तिरका ये ध्यान रखो, एक तरफ एक बार तो समान समूह एक तरफ, और दूसरी बार एक को अपोजिट कर देना तो दोनों समान समूह क्या हो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत। इसके आधार पे अपने चार प्रकार की संरचनाएं बनती है, उसके बाद में चारों संरचनाएं के नीचे नंबर लगा देंगे। पहली संरचना के नीचे लिख देंगे संरचना वन, इसके नीचे आ जाएगा संरचना सेकंड, और इसके नीचे आ जाएगा संरचना थर्ड, और इसके नीचे आ जाएगा संरचना फोर्थ। आगे बात समझ में, अब यहाँ पे कुछ परिभाषाएं निकलती है, उन परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे RBSC सिलेबस के आधार पे। जितनी परिभाषाएं RBSC अपने सिलेबस में दी गई हैं उतनी परिभाषा की बात करेंगे। सबसे पहले देखो परिभाषा पढ़ते हैं अपने, प्रतिबिंब समावयवी पढ़ते हैं इसके अंदर। क्या होगा प्रतिबिंब समावयवी, वे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो। किसको बोलते हैं प्रतिबिंब समावयवी, जो एक दूसरे के क्या हो दर्पण प्रतिबिंब, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब। अब एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब कौन कौन है, आप ये है और ये इसका है, ठीक है। अब देखो
कौन कौन है प्रतिबिंब समावी, संरचना का नंबर लिखेंगे, एक है और दो, संरचना नंबर सेकंड, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। आगे क्या बात समझ में, तो सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड संरचना एक दूसरे की क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। तो इसके लिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रतिबिंब समावयवी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ भाई, यहाँ पे संरचना फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब, इसके आधार पे अपने कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे की प्रतिबिंब समावयवी है। अब अपने दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे अगर संरचना थर्ड की तरफ जाते हैं और संरचना थर्ड और संरचना फोर्थ दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं, इस आधार पे अपने कह सकते हैं ये भी दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रतिबिंब समावयवी। मेरी बात समझ में आ गई, फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी और थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के क्या है, प्रतिबिंब समावयवी। मैं इधर लिख देता हूँ कि एक दूसरे के क्या है, प्रतिबिंब समावयवी, इधर की तरफ भी ये क्या है, प्रतिबिंब समावयवी। अब प्रतिबिंब समावयवी भी है ना, दो रूपों में पाया जाता है अकॉर्डिंग टू आरबीएसई सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन सी रूपों में, एक तो होता है एरिथ्रो और दूसरा होता है थ्रियो। यहाँ पे आप रूप भी लिख सकते हो आगे, एरिथ्रो रूप और इसको बोलते हैं थ्रियो रूप। इसके युग्म भी लगा सकते हो, कुछ बुक में युग्म भी दे रखा है, तो आप इसको एरिथ्रो युग्म भी बोलो ना तो भी गलत नहीं है, ठीक है। अब अपने डिफाइन करेंगे दोनों को, एरिथ्रो किसको बोलते हैं वो देखिए। यदि प्रतिबिंब समावयवी में दोनों रूप, आगे क्या बात समझ में, प्रतिबिंब समावयवी में ऐसा रूप जिसके दोनों समान समूह है एक तरफ हो, तो ऐसा कौन सा प्रतिबिंब रूप है जिसके दोनों समान समूह एक तरफ हो। ध्यान से देखिए फर्स्ट और सेकंड संरचना को, इस कार्बन का जो क्लोरीन है और सेकंड कार्बन का जो क्लोरीन है दोनों की दिशा एक तरफ है, समान दिशा की ओर है। और इधर की सेकंड नंबर संरचना की तरफ देखो, इसका जो क्लोरीन है और इसका जो क्लोरीन है दोनों की दिशा समान है, और इस आधार पे मैं कह सकता हूं भी ये रूप कौन सा रूप हो जाएगा, एरिथ्रो रूप। तो दो समान समूह है एक तरफ क्या कहलाता है, एरिथ्रो रूप। तो यहां पे नीचे डिफाइन कर देंगे इसको, एरिथ्रो रूप। दूसरा आ जाएगा थ्रियो रूप। क्या होता है थ्रियो रूप, यदि दो समान समूह क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो, उस रूप को अपने कौन सा रूप बोलते हैं, थ्रियो रूप। तो यहाँ पे थ्रियो रूप कौन सा है, थर्ड और फोर्थ। ये कैसा प्रतिबिंब समावयवी है जिसमें दोनों समान समूह क्या हो, एक दूसरे के विपरीत। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे ये कौन सा रूप है, थ्रियो रूप। कौन सा रूप आ जाएगा, थ्रियो रूप। एनी प्रॉब्लम्स? अब देखो अपने डिफाइन करते हैं, एरिथ्रो रूप की परिभाषा आ जाए तो कैसे डिफाइन करोगे, ये तो चलो समझा दिया मैंने क्या हो जाएगा एरिथ्रो रूप, तो याद नहीं करना है मेरे तरीके से, आप परिभाषा लिखोगे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, एरिथ्रो रूप। ऐसा प्रतिबिंब समावयवी जिसमें दो समान समूह हैं एक तरफ हो, ऐसा प्रतिबिंब समावयवी जिसमें दो समान समूह हैं एक तरफ हो या एक दूसरे की समान दिशा में हो, उसको अपने क्या बोलते हैं, एरिथ्रो रूप कहते हैं। ऐसा प्रतिबिंब समावयवी जिसमें दो समान समूह हैं एक दूसरे के विपरीत हो, उसको अपने क्या बोलते हैं, थ्रियो रूप कहते हैं। हो गया बात समझ में, इसको थोड़ा डिफाइन कर देंगे इधर की तरफ, समान समूह है समान दिशा में, और इसको यहां पे डिफाइन कर देंगे, समान समूह है विपरीत दिशा में। हाँ भाई, कंप्लीट हो गया अपना प्रतिबिंब समावयवी।
पहली परिभाषा हो गई कंप्लीट। अब अपने बात करते हैं दूसरी परिभाषा की, कनेक्ट क्लियर? ठीक है, दूसरी परिभाषा होती है इसमें, एक परिभाषा कंप्लीट हो गई, प्रतिबिंब, थ्री और एरिथ्रो। दूसरी परिभाषा है विवरिम समावयवी। क्या होता है विवरिम समावयवी, ध्यान से देखना। यहां पे वो एक दूसरे के रूप बताओ, ऐसी कौन सी संरचनाएं हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। ध्यान से देखिए, ऐसी कौन सी संरचनाएं हैं जो एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो संरचना एक और दो तो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप है। अगर अपने संरचना एक और संरचना तीन का कंपेरिजन करें तो संरचना एक और संरचना तीन एक दूसरे का प्रतिबिंब रूप नहीं है। इसी आधार पर अपने कह सकते हैं यहाँ पे संरचना दो और संरचना तीन एक दूसरे की प्रतिबिंब रूप नहीं है। तो यहाँ पे संरचना सेकंड किसका प्रतिबिंब रूप नहीं है, थर्ड का नहीं है। यहाँ पे संरचना सेकंड किसका प्रतिबिंब रूप नहीं है, फोर्थ का नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, ये क्या है, विवरिम समावयवी। सेकंड और थर्ड और सेकंड और फोर्थ इस विवरिम समावयवी। मेरी बात समझ में आ गई? तो परिभाषित कैसे करेंगे, क्या होता है विवरिम समावयवी, एक परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं हो। दर्पण प्रतिबिंब नहीं हो, आगे बात समझ में। तो कौन कौन सी विवरिम समावयवी है, संरचना एक थर्ड का दर्पण प्रतिबिंब नहीं है मगर प्रकाशिक समावयवी भी है। तो परिभाषा पूरी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसा प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है वो क्या कहलाते हैं, विवरिम समावयवी कहलाते हैं। यहां पे अगर देखे संरचना फर्स्ट संरचना थर्ड का क्या है बताओ, संरचना फर्स्ट और संरचना थर्ड एक दूसरे की क्या है, विवरिम समावयवी। अगर नेक्स्ट संरचना की तरफ जाए तो यहाँ पे देखो संरचना सेकंड किसकी विवरिम समावयवी है, संरचना थर्ड की। तो ये भी किसकी विवरिम समावयवी हो जाएगी, संरचना थर्ड की विवरिम समावयवी। नेक्स्ट पे चलो संरचना फर्स्ट, ध्यान से देखिए संरचना को, संरचना फर्स्ट किसकी विवरिम समावयवी है, संरचना फोर्थ की है। तो इधर लिख दूंगा मैं संरचना फर्स्ट विवरिम समावयवी है किसकी आ जाएगी, संरचना फोर्थ की। नेक्स्ट बताओ कौन सा पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए संरचना सेकंड किसकी विवरिम समावयवी है, संरचना फोर्थ की। तो नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, संरचना सेकंड विवरिम समावयवी है किसकी आ जाएगी, संरचना फोर्थ की। यहाँ तक बोलिए समझ में आ गया, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम? क्या हो जाएगा, ऐसा प्रकाशिक समावयवी जिसमें दोनों समावयवी परस्पर एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब नहीं हो, क्या बोलते हैं उसको, विवरिम समावयवी कहते हैं। अब अपने आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, कंप्लीट हो गया अपना, दोनों किरेल केंद्रों पर असमान समूह है। तो दूसरा टॉपिक अपना कौन सा था इसमें, दोनों किरेल केंद्रों पर समान समूह है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, खत्म हो गया अभी, दो किरेल केंद्र वाले यौगिक में आप करते हैं बी पार्ट, दोनों किरेल केंद्रों पर समान समूह है। देखो मैं इसका जो आरबीएससी के आधार पे उदाहरण लें तो उदाहरण कौन सा हो जाएगा, टार्टरी कमल। एसिड भी बोल सकती है उसको, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। देखो भाई क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले में खास बात है, एक तो दोनों किरेल केंद्र क्या होते हैं, पाए जाते हैं,
दूसरी खास बात क्या होती है, दोनों किरिल के अंदर पर समान समूह उपस्थित होते हैं। तो देखिए संरचना की तरफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी इधर की तरफ आ जाएगा, सी इधर की तरफ मैंने लिख दिया, दोनों तरफ सी ओ एच ग्रुप होते हैं, एक तरफ सी ओ एच ग्रुप इधर की तरफ और दूसरे किरिल का अंदर पे कार्बन पे हो जाएगा सी ओ ओ एच, एक तरफ आ जाएगा इधर की तरफ ओ एच, इधर की तरफ भी क्या होता है ओ एच, बची कुछ ही वैलेंसी में अपने लिख देते हैं हाइड्रोजन और इधर की तरफ आ जाएगा हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखते हैं इस संरचना को, इसमें दो किरिल के अंदर उपस्थित है, सबसे पहले इस कार्बन पे तो है नहीं, एक ये वाला कार्बन, चारों समूह है देखो भिन्न भिन्न है। आगे बात समझ में, दूसरा किरिल के अंदर कौन सा हो जाएगा, इसमें ये वाला, चारों समूह भिन्न भिन्न है। आगे बात समझ में, सबसे पहले इसका फिशर प्रक्षेपण सूत्र के आधार पर संरचना बनाएंगे। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था पहला नंबर कार्बन ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही एक नंबर है क्योंकि दोनों तरफ सी ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, सी ओ ओ एच, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा सी, फिर इधर की तरफ आ जाएगा ओ एच और इधर की तरफ लिख देंगे एच, नेक्स्ट क्या आ जाएगा सी, इधर की तरफ क्या आ जाएगा ओ एच और इधर की तरफ क्या आ जाएगा एच, नेक्स्ट अपने क्या कर देंगे इधर की तरफ आ जाएगा सी ओ एच। सबसे पहले इसका बनाएंगे दर्पण प्रतिबिंब, क्या हो जाएगा इसका दर्पण प्रतिबिंब, इधर की तरफ लिख देंगे सी ओ एच, नीचे क्या आ जाएगा सी, इधर की तरफ क्या आ जाएगा ओ एच। आगे बात समझ में, मैंने तुम्हें तरीका बताया था दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, अब एक को अपने विपरीत कर देंगे, एक बार ओएच इधर ले आएंगे एच इधर, चार संरचनाएं बनानी है अपने को पता है, दो किरिल के अंदर हो तो कितने प्रकाशिक समावयवी बनेंगे इसमें चार, तो तीसरी बना रहे हैं संरचना, एक बार अपने लेंगे सी, इधर की तरफ आ जाएगा सी ओ एच, इधर की तरफ लिख देंगे ओ एच और इधर की तरफ क्या लिख देंगे अपने एच। दूसरी बार मैंने तुम्हें बताया था चेंज करना है, अपने को क्या करना है इधर की तरफ सी, इधर की तरफ कर देंगे एच और इधर की तरफ क्या आ जाएगा ओ एच और नेक्स्ट इधर की तरफ क्या आ जाएगा सी ओ ओ एच। सबसे पहले इसका दर्पण प्रतिबिंब बना देंगे अपने, क्या हो जाएगा इसका दर्पण प्रतिबिंब, हाँ भाई दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा सी, इधर की तरफ क्या आ जाएगा सी ओ एच, इधर की तरफ क्या आ जाएगा सी, इधर की तरफ आ जाएगा ओ एच और इधर की तरफ आ जाएगा एच। नेक्स्ट अपने बना देंगे इधर की तरफ सी, इधर की तरफ आ जाएगा एच और इधर की तरफ आ जाएगा ओ एच और इधर की तरफ क्या आ जाएगा सी ओ ओ एच। आगे बात समझ में, ध्यान से देखिए इन संरचनाओं को, क्या अपने चार प्रकाशिक समावयवी यहाँ पे बन गए हैं, बन गए हैं, तो लिख देंगे इसमें नंबर अपने आ जाएगा नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चर्स, इधर की तरफ आ जाएगा सेकेंड स्ट्रक्चर्स, इधर की तरफ आ जाएगा थर्ड स्ट्रक्चर्स और इधर की तरफ आ जाएगा फोर्थ स्ट्रक्चर्स। अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं दो किरिल केंद्रों पर समान समूह हैं, तो देखिए ये वाला किरिल केंद्र है एक, एक ये वाला है, इस पर भी सी ओ एच है और इस पर भी सी ओ एच है, तो इस आधार पे कह सकते हैं जो यौगिक अपनों ने लिया है यहाँ पे उसके दोनों तरफ क्या उपस्थित है, समान समूह है। सबसे पहले इनकी रूपों की बात करें तो दो ओ एच समूह एक तरफ उपस्थित है, इसको अपने कौन सा रूप बोलते हैं, ये हो जाएगा एरिथ्रो रूप और दूसरी रूप की बात करें तो दो समान समूह एक दूसरे के विपरीत है तो ये कौन सा हो जाएगा इधर की तरफ थ्रीओ रूप। अब ध्यान से देखिए इसमें एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नीट में भी आता है, मैं पहले बता देता हूं नीट सीबीएसई में भी है ये क्वेश्चन और अपने आरबीएसई में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टैट्रिक अम्ल में कितने प्रकाशिक समावयवी बनते हैं। अपनों ने इधर चार बना के देखे हैं परंतु चार बनते नहीं हैं, क्यों नहीं बनते, क्योंकि इनमें से दो संरचनाएं ऐसी हैं जिनमें सम्मिति तत्व पाया जाता है और अपनों ने पीछे वाले पार्ट में पढ़ा था जिसमें सम्मिति तत्व उपस्थित होता है वो क्या होता है, ध्रुवण अघूर्णक प्रदर्शित करता है, प्रकाशीय अक्रिय यौगिक होता है, कहने का मतलब है प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। तो ध्यान से देखिए इधर की तरफ क्या उपस्थित है, इस तल को मैं काट दूं यहां से तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे के समान नहीं है क्या, ध्यान से देखो ये दोनों एक दूसरे के समान है, इधर की तरफ इस तल को काट दूं मैं इधर की तरफ तो देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के समान है,
तो यहाँ पे दो संरचनाएं ऐसी है जिनमें क्या पाया जाता है, सम्मिति तत्व पाया जाता है। और मैंने तुम्हें बताया था जिसमें सम्मिति तत्व पाया जाता है वो प्रकाशीय अक्रिय यौगिक होते हैं, और जो प्रकाशीय अक्रिय यौगिक होते हैं उनमें प्रकाशिक समावयवता नहीं पाई जाती। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, सम्मिति तल। और इस आधार पे अपने कह सकते हैं ये क्या होता है, प्रकाशिक अक्रिय यौगिक। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट आरबीएससी और सीबीएसई टाटरी कमल में देख लेना आपको 2015 आरबीएससी सीबीएसई 2017 नीट वाले क्वेश्चन वाले में पेपर, टाटरी कमल में कितने प्रकाशिक समावयवी पाए जाते हैं। टाटरी कमल में केवल दो प्रकाशिक समावयवी पाए जाते हैं, पंते चार हैं, पाए कितने जाते हैं, दो। दो क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि उनमें सम्मिति तल पाया जाता है। ऐसे दर्पण प्रतिबिंब जिनमें सम्मिति तल पाया जाता है वो कौन से रूप कहलाते हैं, इस प्रकार के रूप को अपने बोलते हैं मिजो रूप। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस पार्ट को अपने कौन सा पार्ट बोलते हैं, मिजो रूप। ऐसा रूप जिनमें क्या होते हैं, जिनके दर्पण प्रतिबिंब क्या होते हैं, सम्मिति तल पाए जाने के कारण ध्रुवण अघूर्णता प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार के रूप को अपने कौन सा रूप कहते हैं, मिजो रूप कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाटरी कमल में कितने समावयवी पाए जाते हैं, दो समावयवी। मिजो रूप किसको कहते हैं, मिजो रूप उसको कहते हैं सम्मिति तल पाए जाने के कारण दोनों दर्पण प्रतिबिंब क्या हो गए, प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित नहीं कर रहे। इसके आधार पर कितने प्रकाशिक समावयवी बनते हैं, यहाँ पे केवल यही दो बनते हैं। आगे बात समझ में, ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।